हेलो दोस्तों, मैं अरुण, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो तो जानो में स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे हम कुछ बातें करेंगे, जानेंगे उनका रिएक्शन, क्या रिएक्शन होता है, आइए देखते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है सीएम यादव। क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, बेसिक चीज़ें हैं जो है जनरल नॉलेज की, तो थोड़ा जवाब दीजिएगा आप। तो ये बताइए, अच्छा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, है जानकारी? दूरबीन का हमारे गैलीलियो ने किया था। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं भाई साहब ने। अच्छा ये बताइए, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? बात की रेल में सुल्तान का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। तो एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे इनसे। अच्छा बताइए, वो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो हमारा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जानकारी। चलिए अच्छा, एजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप बताइए। अच्छा खरीफ की दो फसलें का नाम बता दीजिए। खरीफ की फसलें हमारी है जैसे ककड़ी है जी, और हमारी पड़ती है ककड़ी है और खीरा पड़ता है। चलिए ठीक है, और रबी की दो फसल का नाम बता दीजिए। रबी की हमारी फसल हो जाएंगे जैसे गेहूं है जी, चावल है। चलिए ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? शिवानी श्रीवास्तव। क्या करती है मैम? बीए थर्ड ईयर इस बार। अच्छा बीए थर्ड ईयर, क्या नाम है आपका मैम? शशि। अच्छा तो आप क्या करती हैं? बीए थर्ड ईयर। अच्छा आप भी बीए थर्ड ईयर, ठीक है। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा जवाब दीजिए। अच्छा बताइए जो है, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक जी, इतिहास के जनक कौन है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुनिए, मतलब कब हुआ था ये? 1919 सर। जी, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं कि सिस्टर बहुत बढ़िया जवाब दे रही है, मैं इनसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे और जानेंगे इनका क्या रिएक्शन है। अच्छा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, है जानकारी किसी को? जी नहीं सर, नहीं पता। चलिए ठीक है, अच्छा बताइए गुजरात की राजधानी क्या? गुजरात गांधीनगर। जी बहुत बढ़िया, तो आप लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई साहब ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। चलिए ठीक है, अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आप बताइए? फर्स्ट वल्लभ पंत। जी बहुत बढ़िया, तो भाई साहब देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, तो जो है इनसे एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे। अच्छा बताइए, गोबर गैस में कौन सी गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। जी बहुत बढ़िया, तो भाई साहब की तैयारी बहुत बढ़िया, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जवाब भाई साहब ने बहुत बढ़िया दिया है। एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बस। अच्छा ये बताइए, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा? विटामिन बताइए विटामिन सी। जी तो आप लोगों ने देखा कि भाई साहब ने जो है बहुत बढ़िया जवाब दिया है। क्या नाम है आपका? अनिश कुमार। क्या करते हैं भाई साहब आप? बीए फाइनल ईयर। अच्छा बीए फाइनल ईयर है, तो आप मतलब यानी एडमिट कार्ड लेने आए हैं आप? जी जी। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, बस आप लोग थोड़ा उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ये बताइए, जो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो कौन सी लिपि है? खगोष्ठी क्या? चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में रोम में। रोम में? रोम। राज्य, राज्य मैंने पूछा, राज्य। अच्छा। अपने देश में ही किस राज्य में निकलता है? क्या नाम भाई साहब का? सोनू शर्मा नाम। क्या करते हैं भाई साहब आप? बीएससी एजी। अच्छा बीएससी एजी, आपका क्या नाम है? किशन कुमार यादव। आप भी क्या करते हैं? बीएससी एजी। अच्छा बीएससी एजी आप दोनों लोग कर रहे हैं, चलिए ठीक है। हम आप लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, थोड़ा आप लोग जवाब दीजिएगा, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बस स्टूडेंट का जो है वीडियो है। अच्छा ये बताइए, भारत के झंडे की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आप क्या नाम भाई साहब आपका? माय नेम इज अरुणेश कुमार। जी क्या करते हैं भाई साहब आप? एमबीएससी के स्टूडेंट हैं। अच्छा बीएससी के स्टूडेंट हैं। अच्छा चलिए, बीएससी मतलब बायोस कर रहे हैं या मैथ से कर रहे हैं? मैथ से। मैथ से, चलिए ठीक है, हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा आप जवाब दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, आप जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बता दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अच्छा ये बताइए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता। चलिए ठीक है, रुकिए एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए, उसके बाद जाइए। अच्छा बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1913। कब? 1913। चलिए ठीक है, जो है बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं भाई साहब, एक दो क्वेश्चन और करेंगे बस। ये बताइए, शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? नहीं मास्टिक। चलिए ठीक है, कोई जो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का जी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और बताइए। अच्छा ये बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और ये मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब कहाँ पे हुआ था? ये तो
नहीं मालूम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ये बताइए पोंगल जो है त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल ये भी नहीं पता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम बता दीजिए आप। विटामिन बी का जी नहीं पता। चलिए ठीक है, अच्छा एक दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, आप थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा ये बताइए भारत में जो है रेल सेवा कब शुरू की गई थी? नहीं पता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद में होता है? 5। चलिए ठीक है भाई साहब।